मार को धमकी दे रहा है, कह रहा हाईवे पे होते फिर दिखाता मैं तुम्हें। नहीं क्या होता है, शीशे बनते और ऐसे चला रहे हैं उनको, गाड़ी रुकी हुई थी चलाई जा रही है, खड़े दस दस जने खड़े। अच्छा परिवार था गाड़ी में, परिवार था गाड़ी में, परिवार था, पूरा पूरा परिवार है। अच्छा मेरी मम्मी गाड़ी। कैसे हुआ था ये हादसा, कैसे हुआ था? ये बस हम खड़े थे, इसने देखा नहीं गाड़ी चलाई जा रहा, चलाई जा रहा, रोगी बैक नशे में आके इसकी धूतो ही पड़ी है। ये देखो और शीशे इसके ट्रक बंद, ये देखो गलती है जी, ट्रक वाले की गलती है जी। आप चला रहे थे जी? नहीं नहीं, यहाँ खड़ा था, ये गाड़ी तो खड़ी थी, ट्रक वाला ऊपर को आके खींच, कौन है ट्रक वाला, कहाँ गया वो, कहाँ है दिखाओ जरा। तो ये आप देख सकते हैं अभी थोड़ी देर पहले जो है एक हादसा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अंकल जी आप चला रहे थे ट्रक? क्या बात हुई अंकल जी? बात कुछ नहीं है जी, मैं तो आराम आराम से कटाई कर रहा हूं, चला रहा है। ये गाड़ी पीछे से आई है, बराबर को कोर्स करो निकाल। नहीं आपने बैक मारी है, क्या किया? नहीं नहीं मैं तो सीधा मोड़ रहा हूँ, इंडिकेटर लगा रखा है। अच्छा मैं जा रहा हूँ, सरस्वती नदी खींच लाया है, बंपर को खींच लाया है। अच्छा सने खड़े हैं, मैं धीरे धीरे निकल रहा हूँ, ये बराबर से आगे बीच में अड़ गई। अच्छा आप पीछे अड़ी है, उन्हें आवाज मारी मैंने, थोड़ा गाड़ी रोक। अच्छा बस तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, ये ट्रक चालक हैं और HR 6283745 और मौके पर पुलिस, आप ये देख सकते हैं मौके पर पुलिस यहां पर पहुंची हुई है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर करें भाई, इसको साइड पे करवा दीजिए। तो आप ये इसको, ये आप देख सकते हैं आगे का जो बम्पर है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, और एक परिवार था इस गाड़ी के अंदर, ईश्वर का शुक्र है कि उस परिवार को कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं एक लंबा जाम लग जाता है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल की, जहां पर आप देख सकते हैं कि जाम की स्थिति यहां पर जो है देखी जा रही है। ये हांसी रोड की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस गाड़ी का नंबर है HR05BE6127, इस गाड़ी का नंबर है। और ईश्वर का शुक्र है कि परिवार इसके अंदर था, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। और वो टैंकर है, ये आप देख सकते हैं HR 6283745, इस टैंकर का नंबर है। फिलहाल टैंकर को जो है किनारे पर लगाया जा रहा है, और पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी जरूर देखी जा रही है। ये आप देख सकते हैं बम्पर साइड से डैमेज हो जाता है। थोड़ी देर पहले की इस वक्त ये तस्वीरें थी, जहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं एक जाम की स्थिति यहाँ पर पैदा हो जाती है। तो जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल की तस्वीरें, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक्सीडेंट होता है और फिर उसके बाद किस प्रकार से एक जाम की स्थिति यहाँ पर जरूर देखी जा रही है। इस गाड़ी के अंदर जो लोग, जो परिवार सवार था वो फिलहाल सुरक्षित है। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं गाड़ी आगे से पूर्ण रूप से डैमेज हो जाती है, और ये आप देख सकते हैं कि पुलिस को मौके पर बुलाया गया है, और इस कैंटर को यहाँ पर जो है साइड पर लगा दिया गया। क्या अंकल जी, क्या डिमांड है अब आपकी, क्या डिमांड क्या है आपकी? डिमांड नहीं है, इसके खिलाफ हम FIR दर्ज कराएंगे, उसके बाद देखेंगे डिमांड का। तो चलो पर से मार को धमकी दे रहा है, कह रहा हाईवे पे होता फिर दिखाता मैं तुम्हें। नहीं नहीं अंकल, ये क्या बात हुई, हाईवे वाली कौन सी बात आ गई? मैं हाईवे पर नहीं चल रहा था, राम राम से। आप ये देखो ना, आप शहर के अंदर से जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चे होंगे, परिवार है उस गाड़ी के अंदर। इंडिकेटर लगा के नहीं खुल रही इसकी, चेक करा ले डॉक्टर, पर से मार को धमकी दे रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करवाएंगे आप जी? बिल्कुल होएगी। कहाँ के सर आप रहने वाले हैं? सेक्टर 6 के रहने वाले हैं। तो इस गाड़ी के अंदर कौन कौन लोग थे सर? मेरा पूरा परिवार था। पूरा परिवार था। तो बिल्कुल आप ये देख सकते हैं, इस भाई की मांग है कि पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। और तो ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं हरियाणा के करनाल से, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक गाड़ी के अंदर एक परिवार था और किस प्रकार से टकराव हो जाता है इस टैंकर के साथ। तो दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात जरूर सामने रखी है। जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ कहना चाहेंगे हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल परिवार सुरक्षित है, ये सबसे बड़ी बात। और ये आप देख सकते हैं हांसी रोड की इस वक्त हम आपको, ये हांसी चौक है, ये हांसी चौक की इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ये हादसा होता है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी अवश्य करें। और मौके पर पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है और जो गाड़ी चालक है जिसका परिवार गाड़ी के अंदर मौजूद था वो कहीं ना कहीं पुलिस कार्रवाई करवाना चाहते हैं। तो आप इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपडेट आपको देते रहेंगे।